हेलो दोस्तों, मैं हूं राकेश राठौर और स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आला टेक्निकल में। अभी एनसीबीटी पोर्टल के द्वारा एक और नई अपडेट सामने आई है कि जो 2017-18 में जिस ट्रेनी ने एग्ज़ाम दी थी उस समय ऐसा हुआ था कि सेकंड ईयर के जो भी स्टूडेंट थे 2017-18 के, बहुत सारे स्टूडेंटों के रिजल्ट शो नहीं हुए थे या किसी प्रकार से वो एग्ज़ाम जब उन्होंने दी थी तो उस समय कुछ एग्ज़ाम में कुछ प्रॉब्लम आई थी जिसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंटों को रिजल्ट शो नहीं हुए हैं। तो एनसीबीटी एमआईएस पोर्टल पे बहुत सारे लड़कों के रिजल्ट अपडेट होना स्टार्ट हो चुके हैं जो 2017-2018 में थे। तो आप भी अपना रिजल्ट वहाँ से देख सकते हैं जो ट्रेनी रह चुके ग्रह गए थे जिन्होंने 2018 में जिनका एडमिशन 2018-17 में हुआ था और साथ में उन्होंने लास्ट सेकंड ईयर की एग्ज़ाम दे दी थी और उनका रिजल्ट अभी तक नहीं आया था, तो वो ट्रेनी अपना रिजल्ट किस प्रकार से चेक कर सकते हैं उसी के ऊपर ये मेरा वीडियो है। इसके लिए आपको सर्च करना पड़ेगा एनसीबीटी एमआईएस। जैसे ही आप एनसीबीटी एमआईएस सर्च करोगे कुछ इस प्रकार से विंडो खुलकर सामने आएगी, उस पर आपको एनसीबीटी एमआईएस पर क्लिक करना है और इसी के साथ में फिर इस प्रकार से कुछ विंडो खुलेगी जिस पर आप देख सकते हो कि आपका रिजल्ट में कुछ चेंजेस हुआ है तो वो आपको दिखाई देगा। इसके लिए आपको यहाँ सत्यापन पर जाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर आ गया, मेरा हिंदी में है इसलिए आपको यहाँ सत्यापन देखेगा। यहाँ पर आपको आएगा मार्गशीट का सत्यापन। जैसे ही आप मार्गशीट के सत्यापन पर करेंगे आपको यहाँ पर आपका जो भी रोल नंबर है यहाँ पर आपको रोल नंबर डालना है, साथ में परीक्षा प्रणाली जैसे यहाँ पर आपको चुनना पड़ेगा कि आप सेमेस्टर में हो या एनुअल में एग्ज़ाम में हो, जो भी आपको सेलेक्ट करना है उसी के साथ में यहाँ पर आपको यहाँ पर सेमेस्टर, अगर सेमेस्टर सिस्टम में हो तो आपको 1, 2, 3, 4 सेमेस्टर सेलेक्ट करना है। एनुअल में है तो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, जैसे ही आप यहाँ पर सेलेक्ट करोगे कि आपकी मार्कशीट ओपन हो जाएगी और आपका पूरा डाटा आ जाएगा अगर आप पास हो चुके होंगे या जो भी रिजल्ट होगा वो अपडेट आपको दिखाई देगा। तो इसी के साथ में एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो स्टूडेंट जिनके अभी तक एग्ज़ाम होना बाकी अलग अलग फेज़ में तो वो कैसे चेक कर सकते हैं, तो वो ट्रेनिंग पर जाएंगे और यहाँ पर लिखेगा अन्य ट्रेनी प्रोफाइल। जैसे ही आप ट्रेनी प्रोफाइल पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको कुछ डाटा डालना पड़ेगा, जैसे पंजीयन संख्या डाल दीजिए, अपने जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है वो डालना है, साथ में आपके पिताजी का नाम, जन्म दिनांक और जो ये डिजिट दिख रहे हैं आपको यहाँ पर पुट करना है। इसी के साथ में जैसे ही आप सेलेक्ट करोगे तो अगर आपका अगले फेज, जैसे अगला फेज होने वाला है 12 तारीख से, तो अगर उसमें अगर आपकी एग्ज़ाम होगी तो वो एडमिट कार्ड आपको दिखाई देने लगेगा। तो ये आपको एडमिट कार्ड 9 तारीख के बाद से दिखाई देना स्टार्ट होंगे, 9-10 को आप चेक कर सकते हैं। अगर इसी प्रकार से आप चेक करोगे तो आपका अपना एडमिट कार्ड भी चेक कर सकते हो। तो अगर ये जानकारी आपको अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए और साथ में ही मेरे चैनल को आपके जितने भी ग्रुप या आपके फैमिली मेंबर हैं उनमें शेयर करें जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्राप्त करें। और इसी के साथ मैं अब एक और नई सीरीज लाने वाला हूँ जिसमें हम डीजल मैकेनिकल ट्रेड के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पूरी स्टडी मटेरियल जो भी उसका सिलेबस है और पूरा लेक्चर वाइज मैं वीडियो अपलोड करने वाला हूँ धीरे से, तो आप उस पर भी बने रहिएगा। और इसी के साथ बस यही कहना चाहता हूँ कि मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और जो भी आपके फ्रेंड हैं उसमें शेयर जरूर करें। थैंक यू।